पानी नहीं तो बच्चे हमारे यहाँ से भर के तब ले जाते पानी, तो हम लोग पानी पीते हैं। रोज का यही काम है, रोज का पानी गंदा। हम लोग घर में तो है ही नहीं पानी, यही बंबर से काम चलता। हम लोग यहाँ बड़ी दूर से लाइन पड़ी है। अपनी अपनी भाई जिसके पास पैसा है तो अपनी लाइन डरा लिया, जिसके पास नहीं तो इसी के सहारे है। होटल एक बेरिया तो पानी लगी है, सब कुछ करिए और नरक भरा। हमारे बच्चे नान नान बीमार, खाना नहीं कावा कावा जाते। देख लियो कितने नरक भरा, सब लोग बीमार हैं, कीड़ा पड़े हैं। अब बाहर तीवर बह रहा है। काम थोड़ा बहुत किया है, अब इधर अच्छे बड़े बड़े मकान है उधर ज़्यादा काम करते हैं, इधर गरीब लोग रहते हैं। सी ब्लॉक में रहते हैं, हमारे घर के बाहर जो है थोड़ा मलबा पड़ा हुआ है, कई बार वहाँ सूचित कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन कोई उठाने नहीं आता है। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ इंदिरा नगर वार्ड में। जैसा कि हमारी टीम ए न्यूज़ टुडे लगातार नगर निकाय चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वार्डों में घूम रही है और वार्डों के हालात जानने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वार्डों में पिछले पार्षदों ने कितना काम करवाया है और जनता का क्या हाल है, जनता की क्या समस्याएं हैं। जैसा कि हम इंदिरा नगर वार्ड में आए, हनुमान मंदिर के पास में हैं, पास में दो दो मंदिर हैं, एक हनुमान मंदिर एक शिव मंदिर। उसके बावजूद आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए कैसे नाली बह रही है, वो भी खुली नाली है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से आगे चल के पूरा नाली का कवरेज दिखाएं कि एक घर तक जा रही है ये नाली। आप देखेंगे कि वहाँ जो घर है उसके बगल से नाली गुजर रही है और पूरी पूरी नाली ऐसे खुली छुड़ी हुई है। ऐसे में कई बीमारियाँ होती हैं, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सफाई पे और साफ़ सुथरे इलाके पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं, कड़क बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाकों का हाल क्या है ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ जनता से जानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के पार्षद ने कितना काम करवाया है और आगे चल के यहाँ के पार्षद को अगला पार्षद जनता किसको चुनना चाहती है। कैसे हैं भैया? बढ़िया हैं। ये बताइए, यहाँ पार्षद आती हैं, पूनम अग्रवाल जी आती हैं यहाँ पिछले 5 साल जीतने के बाद? ये हमको मालूम ही नहीं कौन यहाँ का पार्षद है, कौन का है, हम का है कुछ ना मालूम। तो दुकान उकान खोलो, जैसे यहाँ पे डाली जा रही दिक्कत ना होती है, जल्दी दुकान खोलें हम। अच्छा, चाह रहे हो नाली वाला काम हो? नाली वाला काम तो हो रहा, आगे वो रोड बन रही ना, इसलिए तो बंद है बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी काम हो रहा। चलो और लोगों से जानने की बात करते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, ये बता रहे हैं अभी दुकान खोले। यहाँ एक अंकल है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या हाल है। नमस्कार भैया। नमस्कार दादा। यहीं के लोकल हैं आप? हाँ। 5 नगर निकाय चुनाव आ चुका है, इससे पहले पूनम अग्रवाल जी, आप वीरू जी थे, उनकी डेथ हो गई उसका, पूनम अग्रवाल जी, तो क्या कितना काम करवाया इन लोगों ने यहाँ पे कुछ के लिए? भैया काम हो ही रहा जी, काम हो रहा, देख तो लियो हम का कहीं। तब भी मतलब अभी तक आप आई, एक भी बार शक्ल दिखाया आपने जीतने के बाद? हम भैया जीतने से पहले तो चुनाव के समय में तो तमाम पार्षद नेता मंत्री आते ही रहते हैं जनता के बीच में, लेकिन क्या जीतने के बाद आते हैं वो लोग? देखा तुम्हें सामने दिखाई दिए, हम का कहीं सामने है मैं देख ली। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार इनको वोट देंगे आप? वोट जी का भैया दिए, कोई रोड तो बंद है, कैसे पता है जी, झूठ साज का बोल, वोट बंद है लेकिन देख ली नाली। तो लगता है आपको क्या परिवर्तन की बात करेंगे आप, परिवर्तन होगा इस बार करेंगे आप परिवर्तन? या हमारे करने से कुछ नहीं हुई, जो एक वोट आदमी को जिताती है और गिराती है, जो कुछ जनता के लिए हुई हमारे कहस का हुई, परेशानी कहीं ना कहीं इस नाली की वजह से है। अब देख हम क्या कहें, आप भी यहीं पे रहते हैं, समझदार खुद हैं, देख लें। जैसा कि आपने देखा कि समझदार खुद हैं ये कह रहे हैं, क्योंकि सबको कई बार लोग यहाँ आए, कई बार लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी लेकिन निवारण शायद नहीं हुआ, जिसकी वजह से शायद अंकल जी भी परेशान हैं और कह रहे हैं कि अब कितना बोल लें, समस्या आपके सामने है, आप देखिए और आप समझिए। आगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। टीकापुरवा गाँव भी इंदिरा नगर वार्ड में आता है, हम टीकापुरवा गाँव की तरफ चलेंगे, यहाँ तमाम लोग हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का हाल। जैसा कि हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से यहाँ इलाकों को दिखाएं, देखिए कैसे यहाँ पे कूड़ा, देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पे, ये टीकापुरवा में है हम लोग इस समय, इंदिरा नगर वार्ड के टीकापुरवा गांव साइड में हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाल है। ये आप पूरे वार्ड में घूम लेंगे, आपको एक कूड़ा फेंकने वाला एक कोई भी जगह नहीं मिलेगा, कूड़ा ऐसे फेंका जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ के पार्षद काम है। यहाँ सामने दुकान है, चलिए माता जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्या परेशानी नहीं होती माता जी आपको इससे? परेशानी नहीं होती भाभी आपको इससे?
तो एक भी बार आप अंदर आ सकता हूँ मैं? नहीं मैं वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि एक भी बार यहाँ इस चीज़ के लिए, जैसे आपके सामने दुकान है, जाहिर सी बात है मेरी होती मुझे परेशानी होती, तो क्या इस चीज़ के लिए कहीं आपने शिकायत की पार्षद आए एक बार, या पार्षद पूनम अग्रवाल जी या वीरू जी जो थे वो पहले जिनके देहांत हो गए कोरोना टाइम में? वो राम मनोहर थे, वो सुन लेते थे। अब तो कहीं है नहीं यहाँ का पार्षद, तो ये कूड़ा उठाते नहीं, लोगों ने यही कूड़ा डालने लग गए। मतलब अगर उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद से कोई जिम्मेदारी किसी ने? नहीं वो कुछ नहीं करते थे, राम मनोहर करवा देते थे, वो तो कभी झाके भी नहीं देखते थे। हाँ वीरू कभी नहीं झाके देखते थे, जो पूर्व पार्षद थे वो करवाते थे काम। तो कोई सुनता ही नहीं है, किसको किसको बोलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कूड़ा फेंकने की गाड़ी तक यहाँ पे लोगों को नहीं प्रोवाइड की गई है, सामने दुकान के कूड़ा पड़ा हुआ है और ऐसे ही गंदगी में लोग रहते हैं, पार्षद जीतने के बाद एक बार भी सामने नहीं आता है और वोट मांगने के लिए चुनाव के समय में पार्षद लगातार बार बार यहाँ पे आते हैं जनता के बीच में। आइए और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया नमस्कार। यहाँ पे पार्षदी का 5 साल चुनाव खत्म हो चुका है, 5 साल बीत चुके हैं, अब दोबारा चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है पिछले पार्षद ने कुछ काम धंधा यहाँ कुछ करवाया है? पिछला पार्षद जो है कोरोना में उसकी डेथ हो गई थी, अब मौजूदा हाल में पार्षद कौन है कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई कुछ। राम मोहन अग्रवाल जो पूर्व पार्षद थे वो भी कभी आए कभी घूमने? यहाँ तो कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, बाकी आम जनता से नहीं मिलते। वोट तो आप लोग भी देते होंगे ना? नहीं तो वोट देते इसी उम्मीद से देते कि भाई वो कुछ काम करेंगे, वरना काम दिख नहीं रहा। नहीं काम थोड़ा बहुत किया है, अब जिधर अच्छे बड़े बड़े मकान है उधर ज़्यादा काम करते हैं, इधर गरीब लोग रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में काम बिल्कुल नहीं हुआ है, जहाँ बाबूजी का साफ कहना है कि बड़े बड़े लोगों की सुनवाई होती है लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं जो गरीब हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्यों बाबूजी? जी सही कह रहे हैं। पानी की टंकी पिछले 4 साल से खराब पड़ी। कैमरामैन से मैं चाहूँगा एक बार पानी की टंकी दिखा दे, जिसको जनता बार बार कह रही है 4 साल से पानी की टंकी खराब पड़ी है। ये 5 साल का पूरा वो होता है, टाइम लिमिट होती है इन लोगों की, और 5 साल में 4 साल से ये टंकी खराब पड़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के समय में, कोरोना काल में यहाँ के जो पार्षद थे वीरू उनका देहांत हो गया था, उसके बाद से यहाँ पे पार्षद कौन है, यहाँ की जिम्मेदारी किसकी बनती है किसी को नहीं पता है, कौन सुनवाई करेगा किससे शिकायत करेंगे किसी को नहीं पता है। और भी लोग हैं और भी जनता है, चलिए सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हालात है। देखिए खाली प्लॉट है, इसको पूरा कूड़ा घर। अब जनता की भी मजबूरी ये है कि जनता जब कूड़ा डालने की गाड़ी नहीं मौजूद होगी तो आखिर जनता कूड़ा फेंकेगी कहाँ, जब पार्षद यहाँ का या जो भी सफाजत हो वो अगर कूड़ा रखने की जगह नहीं प्रोवाइड करेगा तो आखिर जनता उसका समाधान कैसे निकाले। जनता तो वोट देती है पार्षदों को ताकि वो उनके समस्याओं का समाधान निकाले, लेकिन जब पार्षद ही गायब हो जाएगा तो आखिर जनता क्या करे। चलिए और भी लोग यहाँ बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। पार्षद यहाँ आए एक भी बार जीतने के बाद? यहाँ एक बार शक्ल दिखाई आपको? पार्षद यहाँ के हैं ही कहाँ, खत्म हो गए। तो उसके बाद कोई भी एक आते हैं दिलीप, नया चुनाव शुरू होने वाला है, नया चुनाव आने वाला है, तो कोई दिलीप श्रीवास्तव आते हैं बस और कोई नहीं आता। कितना कचड़ा पड़ा हुआ साला। दिलीप श्रीवास्तव जी ने आपके लिए यहाँ जनता के लिए कुछ किया अभी आए थे तो? सब लोग आते वहीं, कोई शिकायत मिलती है तो काम करते हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी काम करते हैं, हालांकि वो यहाँ पार्षद नहीं है, वो डी ब्लॉक साइड के पार्षद हैं, लेकिन वो इधर का काम करते हैं, क्षेत्र उनका नहीं है लेकिन काम वो यहीं करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ जो क्षेत्र का पार्षद है अगर वो नहीं है तो क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी है किसी को नहीं पता, लेकिन वही दूसरे क्षेत्र का पार्षद इतना ज़्यादा जुटा हुआ है कि वो अपने साथ वाले क्षेत्र का भी ध्यान रखता है। पार्षद यहाँ का नहीं है, सभा दिलीप श्रीवास्तव नाम हमने बताया, आप जनता नाम जानती है, दर्शकों का नाम बता दिया है, बाकी तुरंत वो लगवा देते हैं लाइट वाइट वो हाँ वो काम उनको बता दो, खबर मिल जाए काम कर देते हैं वो। अच्छा, उन तक समस्या अगर पहुंचती है तो उसका निवारण होता है। दिलीप श्रीवास्तव हैं जो डी ब्लॉक के, यहाँ से थोड़ी दूर बगल में डी ब्लॉक के वो पार्षद हैं, और यहाँ का जो पार्षद था वीरू कोरोना काल में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं है जनता को आखिर कौन बताएगा, ये सवाल जनता का है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। ये हम आ चुके हैं।
हमारा चैम्बर ये है 3-4 लोग का, तो ये जाम हो गया है, चौक हो गया है। अब मेरे यहाँ देखिए, अब आए थे देखने कि सीबर यहाँ से दूसरा लाइन डाल देंगे, दूसरी लाइन तो सही हो जाएगा, लेकिन वो आए नहीं। फिर जो गरीब आदमी होता है वो बड़ी उम्मीदों से पार्षदों को, नेताओं को वोट देता है कि ये लोग आएंगे तो हमारा जीवन सुगम बनाएंगे, ये लोग आएंगे तो शायद हमें परेशानियां कम होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसी गरीब आदमी को, उसी गरीब आदमी का वोट लेके ये पार्षद उसी गरीब आदमी को भूल जाते हैं। जैसा कि आप इनका घर देखिए, इनकी समस्या भी बहुत बड़ी है। देखिए इस घर में रह रहे हैं और इस घर में पानी देखिए, पूरा सीवर ब्लॉकेज हो चुका है, इसी गंदगी में ये रहते हैं। और एक तरफ इसी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सफाई और साफ सुथरा मुद्दों की बात करते हैं, और यहाँ देखिए आप क्या आलम है। अगर इस स्थिति में बच्चों को डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, तो आखिर क्या होगा? क्या इसका जिम्मेदार वो पार्षद प्रत्याशी नहीं है जो यहाँ पर वोट मांगने आता है? क्या इसका जिम्मेदार वो नेता नहीं है जो इस जनता से वोट मांगता है और कहता है आप हमें वोट दीजिए, हम आपका जीवन सुगम बनाएंगे? कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ से परेशान हो चुकी है, और जनता का साफ कहना है कि वोट लेते समय तो ये लोग दिखते हैं, लेकिन वोट पाने के बाद। आइए हम माता जी से बात करें, ये बताएं माता जी, आप बताइए क्या परेशान? हाँ, वोट लग रही तो पाए लगे हैं, सब कुछ करिए, नरक भरा हमारे बच्चे नान नान बीमार, खाना नहीं, कावा कावा जा, देख लियो कितने नरक भरा, सब लोग बीमार हैं, कीड़ा परे हैं, अब बाहर तीवर बह रहा है। शिकायत हुई कहीं? पूरे मोहल्ले भरे के शिकायत हुई कहीं? नहीं, वो कहाँ को शिकायत कर रही है, देखा आवती है, एक जना देखियो के ना तो लौट कही बे नहीं किन दोबारा नहीं है। नहीं, पूरा मोहल्लक भरा है, पूरे मोहल्लक जाम है तीवर, और कोई नहीं आवत है। पगदा मार भैया हाथ टूट फोन करत, उठते नहीं सरकारी वाले हेड वो परत सब कुछ घर का हाउटेक्स पर है, सब कुछ पर है। बात तो माता जी ने एकदम सही कही कि माता जी हाउस टैक्स भी भरती हैं, हर एक टैक्स भरती हैं, उसके बावजूद आखिर माता जी की इस परेशानी की सुनवाई क्यों नहीं होती है? ये इंदानगर वार्ड की जनता का सवाल, सब पूरे मोहल्ला परेशान है, बीमार है, बताओ कहूँ दवा सरकारी जाओ तो कहा कोरोना की जाँच कराओ, कहूँ दवा तो नहीं देते हैं, बता पैसा नहीं जो प्राइवेट दवा करें। यहाँ जो पूर्व पार्षद थे राम मोहन अग्रवाल जी, उनके पास कभी आप गई? पूनम अग्रवाल नहीं, वो तो ये क्षेत्र में नहीं है, वो कहते हमारा ये गांव नहीं है। अच्छा। उनका नहीं है, हमारे भैया का हाथ टूटा पड़ा, कोई कमाए वाला तो है नहीं। जैसा कि माता जी क्या परेशानियाँ हैं आप? भैया पानी भी नहीं है, सीवर भरे हैं, हम लोग देख रहे हो कितने गंदे घर में रह रहे हैं, अब तक बदबू आ रहा, कुछ करने को दिन आए भी रहा है, और कहीं सही करवा देंगे नहीं सही करवाएंगे। आइए, लोग आते हैं वादे करके वापस चले आते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। जैसा कि यह हाल देख तेरे घर में पानी भरा, सीवर देखिए टूटा पड़ा, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, सीवर नगर निगम में कभी शिकायत कुछ किया? नहीं नहीं, वो गाड़ी आवे तो भले साफ कर दे, जो गाड़ी आती है साफ करे वाली जमाना नहीं, पूरा जाम पड़ा है, बताओ हम लोग के घर में पानी भरता है बरसात का भी ऐसे भी। एक और चीज हम आपको इंदिरा नगर वार्ड में दिखाना चाहेंगे, यहाँ की जनता बोल रही है कि वाटर लाइन सिर्फ और सिर्फ वहीं तक है, कैमरामैन चाहूँगा वो इलाका दिखाए, उस तरफ वाटर लाइन है और इस तरफ वाटर लाइन नहीं है, आदमी इस टंकी से पानी भरता है और उसके बाद अपने घर तक ले जाता है। जो भी व्यक्ति पानी लखनऊ जैसे इलाके में रह के अगर व्यक्ति को पीने का पानी ना मिले, उसको इतनी मेहनत करनी पड़े, तो आखिर राजस्थान और दिल्ली लखनऊ में अंतर क्या होगा? पानी ले तो बच्चे हमारे यहाँ से भर के तब ले जाते पानी, तो हम लोग पानी पीते।